किसी भी पेशेंट की, या आप कॉलेज में से पढ़ते हो तो आपका भी कोई डाटा रहता है, तो उसकी हिस्ट्री जो रहती है उसको कंटिन्यूस मेंटेन करने के लिए जो भी इसेंशियल फैक्ट होते हैं उनके बारे में रिटर्न कम्युनिकेशंस करना डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, आपका भी डाटा सारा कॉलेज में कलेक्ट होता है तो वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगी, थर्ड ईयर की मार्कशीट लगेगी, इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन बनता है। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाया, उस फाइल के अंदर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एड की एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर सबको, क्या है डॉक्यूमेंटेशन एक बार और रिवाइज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटर्न फॉर्म। डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग करने की रिटर्न फॉर्म के अंदर अबाउट किसके बारे में, इसेंशियल फैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूस हिस्ट्री। किसी भी चीज़ की, किसी पेशेंट की हो, किसी स्टूडेंट की हो, किसी भी चीज़ का रिटर्न के अंदर लिखा हुआ जो चाहिए वो कंटिन्यूस हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए जो भी इसेंशियल फैक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर, हम देखते हैं नेक्स्ट। एवरी इंस्टीट्यूशंस पब्लिक एजेंसी इज डॉक्यूमेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। एवरी इंस्टीट्यूशंस, हर एक संस्था, अपना एक मिरेकल नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है या एजेंसी, जैसे कि कोई एजेंसी रहती ना, रेड क्रॉस एजेंसी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज वगैरह रहती है। इज डॉक्यूमेंटेशन द इंफॉर्मेशन ऑन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। वहाँ पे भी जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रहते हैं उनके ऊपर एक नंबरिंग लग जाती है, नंबरिंग डालकर इंफॉर्मेशन जो होती है कलेक्ट होती है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन नंबरिंग फॉर्म में, जैसे कि कॉलेज के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन नंबरिंग फॉर्म में क्या है, कलेक्शन इसका हेतु वो क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ आपका पूरा, बोलते हैं ना हम डॉक्यूमेंट फाइल है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन नंबर सीरियल वाइज जमे हुए रहते हैं। तो एवरी इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, कोई भी बड़ी फैक्ट्री हुई, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई कॉलेजेस हुआ, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड इज अ क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू इंडिविजुअल एंड फैमिली और कम्युनिटी। रिकॉर्ड क्या है, क्लिनिकल, क्लिनिकल से वर्ड रिलेटेड है हॉस्पिटल से। ठीक है, तो रिकॉर्ड इज अ क्लिनिकल, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये कानूनी लीगल जो रहता है डॉक्यूमेंट्स रहता है, कौन सा, क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द, किससे रिलेट करता है, रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। यदि हमने कोई भी नर्सिंग केयर इंडिविजुअल को या फैमिली को प्रोवाइड किए तो उससे जो भी रिलेटिंग जो भी डाटाज रहता है हम पेशेंट की फाइल में जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, पेशेंट की फाइल में एंट्री करते हैं कि हमने पेशेंट को 5 PM पर पेन किलर इंजेक्शन लगाया है, तो वो क्या है, पेशेंट का एक रिकॉर्ड हो गया। वो कौन कर रहा है, कोई भी नर्सिंग स्टाफ पेशेंट की फाइल में कर रहा है, पेशेंट को उसने वो डोज दिया है तो क्या आएगा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज द परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड क्या है, हमेशा एक परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, परमानेंट रहता है, आपने किसी पेशेंट को 5 PM पर मेडिसिन दे दिए तो परमानेंट है, उसको आप चेंज तो कर ही नहीं सकते, जो आपने दे दी है वो, मान लो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो वो परमानेंट ही बनता है, तो क्या होता है वो, रिकॉर्ड। क्लियर रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट आर ओरल और रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन नर्स और हेल्थ टीम। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट आर, रिपोर्ट जो होती है वो ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकती है, जबकि रिकॉर्ड क्या है, ओनली रिटन फॉर्म में रहता है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बिटवीन नर्सेस और हेल्थ टीम। जो हेल्थ टीम मेंबर होते हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के पास में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्टाफ हुआ तो उसने पेशेंट को मेडिसिन दी है 5 PM पर,
तो क्या करेगा, ओरली भी बोल सकता है कि भाई मैंने पेशेंट को 5 PM पर मेडिसिन दी थी, तो इसको वो डोज रिपीट ना हो जाए तो आप मत देना इसको, या फिर वो फाइल के अंदर भी मेंशन कर देगा कि मैंने ये चीज़ दी थी। तो रिपोर्ट जो रहती है वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। काय के लिए, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे भी शिफ्ट चेंज होती है, मॉर्निंग शिफ्ट एट टू 2 o'clock, जैसे 2 बजे मॉर्निंग शिफ्ट खत्म हुई है, नेक्स्ट शिफ्ट इवनिंग स्टाफ आएगा तो क्या करेगा, सारा जो रहेगा वो रिपोर्ट करेगा। एक पेशेंट में जनरल वार्ड में ड्यूटी कर है, मान लो वहाँ पे 12 पेशेंट है, 12 पेशेंट में का एक का डिस्चार्ज हुआ है एंड 11 और एडमिट है, इनका मॉर्निंग डोज लगा दिया है एंड डे डोज बाकी है, तो जितना भी लिखते हैं इतने पेशेंट का वो सारा क्या आता है, रिपोर्ट में हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर क्लियर, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। अब हम पढ़ते हैं पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या पर्पस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की क्या पर्पस है एंड इसके रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के, हम क्यों डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्यों रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करते हैं, इनका क्या पर्पस है, क्या सिद्धांत है इनका। फर्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। एक इम्पोर्टेंट पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन का, कम्युनिकेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो पेशेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टाफ को कैसे देगा, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पर्पज़ है डॉक्यूमेंटेशन का। क्लियर कम्युनिकेशन सबको। नेक्स्ट पर्पज़ है हमारा लीगल रिकॉर्ड्स। वन ऑफ द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट। ठीक है, वन ऑफ द पर्पज है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोटेक्ट द क्लाइंट। क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रोटेक्शन करने के लिए एक पर्पज है, ये एक मोस्ट कॉमन है लीगल रिकॉर्ड। यदि कोई पेशेंट है किसी, मतलब लड़ाई झगड़े वाला केस है, किसने मारा है, तो हम उसका लीगल रिकॉर्ड बनवाते हैं ताकि इन फ्यूचर क्लाइंट जो पेशेंट है वो उसको प्रोटेक्शन मिले, हेल्प मिल सके। ठीक है, एजुकेट। वन ऑफ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टू एजुकेट द क्लाइंट एंड मेडिकल स्टूडेंट। हम यदि रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड का एक और मेन पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का, एजुकेशन। ठीक है, क्लाइंट्स को, पेशेंट को और मेडिकल स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन देने के लिए भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। जैसे कि कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल, मान लो कोई फ्रैक्चर वाला है या फिर कोई कार्डियक प्रॉब्लम वाला है, तो हम पेशेंट को जितनी भी जो भी पेशेंट की हिस्ट्री रहेगी तो मेडिकल स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। तो उसके लिए हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन है, तो उसको सिखाएंगे कि देखो पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स थी, हमने उसको ये मेडिसिन प्रोवाइड किए। तो एज ए एजुकेशन के थ्रू हमारा क्या हो गया है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन जो था वो काम में आ गया है। एंड क्लाइंट, मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको हेल्थ टीचिंग देनी है एट ए डिस्चार्ज टाइम, तो उसको भी हम डॉक्यूमेंटेशन करके उसके फाइल में रिकॉर्ड करके दे सकते हैं ताकि वो भी एजुकेटेड हो जाए एंड उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रिसर्च। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स रिटर्न प्रूफ। डॉक्यूमेंटेशन का मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ का रिटर्न में प्रूफ होना। ठीक है, रिसर्च ऑल्सो नीड्स प्रूफ। यदि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसको क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ चाहिए। जैसे कि आप जैसे फोर्थ ईयर में जाओगे तो रिसर्च थीसिस आपको करनी रहती है, कोई भी डिजीज़ है इसके ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी है और कितनी रिसर्च हो रही है, सारा डाटा इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इम्यूनाइजेशन सबसे पहले वैक्सीन बना था काय के ऊपर, स्मॉल पॉक्स के ऊपर बना था, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दिया था, तो उसने कितनी खोज की है, क्या किया है, तो सब रिसर्च की है, जितनी भी रिसर्च हुई सबका डॉक्यूमेंटेशन डाटा एंट्री है फाइल में, तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, क्लियर पर्पस, ऑल पर्पस आर क्लियर। फर्स्ट था कम्युनिकेशन एंड सेकेंड था लीगल रिकॉर्ड एंड थर्ड एजुकेटेड एंड फोर्थ रिसर्च। पर्पस हो गए हमारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के या डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी पढ़ लिया है, इनके पर्पस भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स है ये कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफर रिपोर्ट और इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, 3 तरह के टाइप्स बताएं। चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, वर्ड से क्लियर है, जब भी स्टाफ की शिफ्ट चेंज होती है तो उस टाइम जो रिपोर्टिंग की जाएगी वो
शिफ्ट चेंज रिपोर्ट आएगी एंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट। यदि हमने किसी पेशेंट को ओटी से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है या जनरल वार्ड से उसको ओटी में शिफ्ट किया है, वो क्या आएगी, ट्रांसफ़र रिपोर्ट। एंड नेक्स्ट है इंसिडेंस रिपोर्ट, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई है तो उसका जो रिकॉर्ड डाटा करेंगे वो इंसिडेंस रिपोर्ट के अंदर आएगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट गिर गया, ऐसा कोई भी इंसिडेंस आ गया तो वो इंसिडेंस रिपोर्ट के अंदर हम करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड। चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड के अंदर देखना, इन दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स ऑन ड्यूटी नर्स, जो भी ड्यूटी के ऊपर नर्स रहती है, ऑन ड्यूटी नर्स समराइज इंफॉर्मेशन अबाउट असाइंड क्लाइंट। इन दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट के अंदर कौन सा टाइप की रिपोर्ट के अंदर, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट के अंदर ऑन ड्यूटी नर्स, जो भी नर्स ड्यूटी पे रहती है वो समराइज करती है इंफॉर्मेशन को, सारी जो भी इंफॉर्मेशन उसको समराइज समझते हो, समरी शॉर्ट फॉर्म में लिखती है अबाउट असाइंड क्लाइंट, जो भी क्लाइंट उसको सौंपा गया है, जो भी क्लाइंट हमको मिलता है, असाइन मतलब सौंपना है या सौंपा गया, उस क्लाइंट के बारे में समरी बना के उसकी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करती है, ताकि नेक्स्ट जो भी स्टेप आएगा डायरेक्ट वो एक एक चीज़ नहीं पूछेगा पेशेंट से, आके आप कितने बजे एडमिट हुए, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ नहीं पूछता है। आके सबसे पहले स्टाफ रिपोर्ट देखता है, जो भी प्रीवियस स्टाफ था वो जो भी रिपोर्टिंग करके गया है समरी के अंदर सारी देख के नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। ऑल्सो नोन एज एंड शिफ्ट ऑफ रिपोर्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एंड शिफ्ट रिपोर्ट। जैसे ही शिफ्ट एंड हुई है तो इसको हम एंड शिफ्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। किसको, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट को। क्लियर, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिया है, पेशेंट आर प्री ऑफ इज डन एंड पेशेंट इज रेडी फॉर सर्जरी। मान लो कोई नाइट स्टाफ था तो उसने बताया कि पेशेंट का मैंने प्री ऑप, जो भी ऑपरेशन के पहले प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सारे डन करवा दिए और पेशेंट को रेडी कर दिया है सर्जरी के लिए। ठीक है, ऑपरेशन से पहले जो भी टीटी टेस्ट, जाइलोगन टेस्ट जो भी होते हैं वो क्या किया है, नाइट स्टाफ कंप्लीट करके गया है एंड पेशेंट इज रेडी फॉर सर्जरी, उसने पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी कर दिया है। एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम, दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी कन्वेड टू द नर्स टू नेक्स्ट शिफ्ट। ये इंफॉर्मेशन उसकी नीड जो है नेक्स्ट कन्वे करने के लिए, नेक्स्ट शिफ्ट जो भी कन्वे इन्फॉर्मेशन रहती है उसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, पर्पस देख लेते हम, चेंज शिफ्ट रिपोर्ट का क्या पर्पस है, टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर अमंग नर्स हु आर केयरिंग फॉर अ क्लाइंट। प्रोवाइड करना, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करने के लिए नर्सेस के बीच हु आर केयरिंग द क्लाइंट, यदि कोई पेशेंट है तो उसको कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करने के लिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा तो नेक्स्ट शिफ्ट पे जो भी नर्स आएगी वो कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसफ़र रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफ़र रिपोर्ट। रिपोर्टिंग इज डन इन केस क्लाइंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड। ट्रांसफर रिपोर्ट हम कब मेंटेन करते हैं, जब पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं वन वार्ड टू अनदर वार्ड, एक वार्ड से पेशेंट को दूसरे वार्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया है तो वो ट्रांसफ़र रिपोर्ट के अंदर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेना, क्लाइंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिकवरी रूम टू मेडिसिन वार्ड। ठीक है, कोई पेशेंट था तो उसको हमने रिकवरी रूम में लिया है, उसके बाद मेडिसिन वार्ड में उसको ट्रांसफ़र किया है, तो सारा हम डाटा जो मेंटेन करेंगे वो ट्रांसफ़र रिपोर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, मान लो कोई पेशेंट जनरल वार्ड के अंदर है और कोई इमरजेंसी, कोई कार्डियक इमरजेंसी वगैरह, हम पेशेंट को आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या आएगा, ट्रांसफ़र रिपोर्ट। ठीक है, टू फैसिलिटेट द कंटिन्यूटी ऑफ केयर ट्रांसफ़र रिपोर्ट मे बी गिवन बाय फोन और इन अ पर्सन। फैसिलिटेट कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो रहती है हम मे बी गिवन बाय फोन से भी दे सकते हैं और इन अ पर्सन, ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम ऑन कॉल भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट है, इसको सडनली कार्डियक इमरजेंसी आ गई तो हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम फोन या इन पर्सन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, ट्रांसफ़र रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, इंसिडेंस रिपोर्ट, लास्ट टाइप है रिपोर्ट का, इंसिडेंस रिपोर्ट। इंसिडेंस रिपोर्ट आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट एनी अनयूजुअल अक्रेंस और एक्सीडेंट इन द क्लाइंट केयर, एग्जांपल क्लाइंट फॉल, मेडिकेशन इरर या NSI नीडल स्टिक इंजुरी। इंसिडेंस रिपोर्ट मतलब कोई भी घटना घटित हो जाती है, इंसिडेंस रिपोर्ट यूज टू डॉक्यूमेंट करना,
एनी अनयूजुअल अक्रेंस, जो घटना अनयूजुअल नहीं होनी थी बट वो घटित हो गई है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी ऐसा इवेंट जो नहीं होने का था बट वो घटना घटित हो गई है बाय मिस्टेक, उसको हम इंसिडेंस रिपोर्ट के अंदर मेंटेन करेंगे। मान लो क्लाइंट फॉल, कोई पेशेंट गिर गया है तो उसको एक्सीडेंट इंजरी हो गई है, मेडिकेशन एरर, कोई भी मेडिकेशन पेशेंट को रॉन्ग डोज दे दिया उसका एंड राइट टाइम पे दे दिया, निडिलिस्टिक इंजरी हो गई है, तो सारा काम आएगा इंसिडेंस रिकॉर्ड के अंदर आएगा। तो हमने रिपोर्ट के 3 टाइप पढ़े हैं, चेंज शिफ्ट रिकॉर्ड एंड सेकेंड ट्रांसफर रिपोर्ट एंड थर्ड है इंसिडेंट रिपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम जो भी ये कंटिन्यूस का क्लासेस वो कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।